कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है कपिला गायें और कुम्हारिन की बेटी। एक था कुम्हार और एक थी कुम्हारिन। उनकी 2 साल की एक बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग कुम्हारी के लिए जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वो चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने क्या किया कि बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे जंगल में। तो जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वो नीचे झुककर बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़का, कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को, तुम घर आ जाओ या इधर ही रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कुम्हार तिल मिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वो मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे बहुत पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वो मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वो बच्ची घबरा गई और जोर से रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में। वो रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गायें जा रही थी। उसका रोना उनके कानों पर पड़ गया। इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज का सुराग लेकर वे ढूंढते वहां पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वो दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे किस निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है, शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया, वो खेलने लगी। तब गायें उसे वहां छोड़कर अपने गौशाला में गईं। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वे वापस वहां गईं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का दूध पीने से वो बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वो उन गायों को ही अपनी माएं समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वो उनकी ओर दौड़कर चली जाती और उनसे चिपकती थी। कुछ समय बाद और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर बाघ एवं और कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न करे, इसलिए वे सब जंगल में वर्तालाकार खड़ी रहकर चरती थी और उसे उस वर्तुल में रखती थी। तो और भी दिन महीने गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा, अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं। वे उसे अपनी गौशाला में लेकर आ गई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ। अब बच्ची दिन भर गौशाला में ही रहती थी और शाम को आते वक्त गायें उसके लिए अच्छा अच्छा फल लाती थी, उसे खाकर वो खुश हो जाती। तो एक दिन हुआ क्या कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों न बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, ये बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं खाया है। वो बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई, दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मधुर आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाजा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वो दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियां इधर उधर बिखर गई। फिर वो वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और उसने बच्ची को आवाज दी, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाजा खोल दे।
तो गौशाला के नजदीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर दो चार लाते मार दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नजदीक एक आमड़ी का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वो उस आमड़ी के पेड़ पर लात मारने ही वाला था, इतने में उसे ख्याल आया कि अंधेरा छाने लगा है और गाय के गौशाला में वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा, यदि गाय आ गई तो मुसीबत में पड़ सकता हूँ, अकलबंदी इसमें है कि मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहाँ आ गई। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर को सूंघ लिया। गौशाला के बाहर उसके पाँव की निशानियां भी उन्होंने देखी, तो यहाँ कोई राक्षस आया हुआ है, इसका उन्हें यकीन हो गया। वे डर गईं, हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित हो। सभी गायें दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाजा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घुसे तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्होंने देखी, तो गाय दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी, क्या हुआ, किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गए। उस राक्षस की ये हिम्मत हमारी बेटी को खाने आए, ठहर, कल सिखाएंगे उसे सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल नहीं गई, सब छुपकर गौशाला में रही। इधर राक्षस ने किया क्या कि सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उनको शान से तेज किया और बच्ची का गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वो कपिला गायों के उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मधुर स्वर में कहा, लाडो बेटी, जरा दरवाजा खोल दे। तो आमड़ी के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से चार पांच लाते मारी तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गौशाला के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा, तो दरवाजा तोड़कर वो गौशाला के अंदर घुसा। इधर वो अंदर घुसा, उधर सभी गाय उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने अपना सिंघड़ा उस पर पहले मारा, बाद में दूसरी ने, तीसरी ने, ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50, इसके बाद जीवन में कभी किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी, अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। तो और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वो गौशाला से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंक्षियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वो झरने पर स्नान करके फूल तोड़ ही रही थी, तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरण के पीछे पीछे दौड़ता वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे बहुत भा गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गौशाला में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नजर में उस कन्या से प्यार करने लगा। वो अपने घर गया और अपनी माता को उसने अपने प्यार की बात बताई। राजमाता ने ये बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा, यदि उसे वो कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेशानुसार प्रधान कुछ सिपाही साथ में लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उपटन लगाकर नहलाया।
उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, जैसे वो स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघरानी की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वो पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हुई तो राजकुमार और उसकी बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया गया। तो वो कुमार की लड़की अब राजा की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वो दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वो बात आ गई। उसने उसे पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों तुम ऐसी गुमसुम बैठती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं हैं गौए। गाय? राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। कन्या भी दौड़कर उनके गले चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो वो बहुत देर तक चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को वहाँ का गौशाला तोड़ने का आदेश दिया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी वो कुम्हार की लड़की खुशी खुशी अपने पति राजकुमार के साथ रहने लगी। वो बहुत साल तक जीवित रही, उसके कई पुत्र पौत्र हो गए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।